नमस्कार। 13 अप्रैल 2021 को CHSL में जो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उसी को अपन याद करेंगे और ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ताकि भविष्य में जो भी आपके एग्ज़ाम हो उसमें अगर फिर से आए तो आपको याद रहे। पहला क्वेश्चन गांधी जी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, पाथवे टू गॉड इस बार पूछा गया है, तो हो सकता है अगली बार ट्रस्ट शिप पुस्तक के बारे में पूछा जाए। तो जो पाथवे टू गॉड है भारत में, आप मान के चलो कि गांधी जी एक प्रकार के गॉड ही हैं। कुछ साल बाद, अभी तो ज़्यादा साल भी नहीं हुए, 50-60 साल हुए हैं, तभी से हम लोग गांधी जी को पूछते हैं। आप समझ सकते हैं 200 साल बाद तो भगवान ही बन जाएंगे। तो क्यों इस तरह से हम याद करेंगे कि पाथवे टू गॉड यानी कि उनका पाथ यानी कि रास्ता गॉड की तरफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, और ट्रस्ट शिप को भी ऐसे याद रखेंगे कि गांधी जी कहते थे कि मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आज़ादी दिला दूंगा, ठीक है। वो अलग बात है कि बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन ट्रस्ट तो करना पड़ा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ट्रस्ट शिप जो पुस्तक है उसके लेखक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था काजू की खेती किस मिट्टी पे की जाती है। तो काजू की खेती जो कि कर्नाटक वगैरह के जो क्षेत्र है वहाँ पे की जाती है, तो उधर तटीय इलाका है, कर्नाटक वगैरह क्या है, तटीय इलाका है और हल्का सा रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तटीय रेतीली मिट्टी में काजू की खेती की जाती है। बिहार का एकमात्र रामसर जो जगह है कांवर ताल, वो कहाँ पे है, जिसे हम कांवर ताल बोले या कांवर ताल लेक बोले, एक ही है। 2020 में रामसागर साइट घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये बिहार का एकमात्र रामसागर साइट है कांवर ताल। ध्यान रखिएगा, कांवर वगैरह हम लोग लेके बिहारी लोग कहाँ जाते हैं, देवघर जाते हैं, तो कांवर तो ध्यान रखे रहिएगा, ध्यान तो रहता ही है कांवर का कि बिहार से रिलेट है, रिलेट करता है। तो ये बेगूसराय में एक जगह है, जो झील है, ये जो कांवर ताल लेक है वो बेगूसराय में है। तो बिहार का एकमात्र रामसागर साइट है, यानी कि आप रामसागर साइट का मतलब क्या होता है, वेटलैंड आप कह सकते हैं, ठीक है। और वेटलैंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको सभी को अपन यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। जो दिसंबर 2020 तक भारत में कितने रामसागर साइट हैं, वेटलैंड हैं, जिसे हम कह सकते हैं 42 हैं। और 42वां जो कि लास्ट रामसागर साइट घोषित की गई है इंडिया का, वो कौन सा है, सोकर लेक। ध्यान रखिएगा, सोकर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे टी से स्टार्ट होता है, टी साइलेंट होता है। तो सोकर लेक कहाँ पे है, ये आपके लद्दाख में है। देखिएगा, सोकर यानी कि आदमी ट्रेन में बैठता है, एक दूसरे के पास पास बैठता है तो सोने लगता है, लद के एक दूसरे पे लद के बैठने बैठ के मतलब कि लद के बैठ लद जाता है, पास पास बैठ के लद जाता है और सोने लगता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो सोकर लेक है वो कहाँ पे है, वो लद्दाख में है, जो कि लास्ट रामसागर साइट है इंडिया का। अब एक और है, सोकर से ही रिलेट करता है, यहाँ पे सोकर नहीं है, सो मोरी मोरी सो मोरीरी लेक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, टी सो कॉमन है, टी सो कॉमन है, तो दोनों कॉमन कहाँ पे होंगे, ये आपके जम्मू कश्मीर में होंगे, ठीक है। दोनों एक ही जगह है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही हुआ करता था, अब अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया। तो यहाँ पे सो मीरी मीरी, तो जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो मोरी री है, मतलब कि जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो मरने का जो डर है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी क्षेत्र है। तो इस तरह से याद रखेंगे, एक है सोकर लेक और एक है सो मोरीरी लेक है, ठीक है। दोनों कहाँ पे है, ये दोनों रामसागर साइट है, ध्यान रखिएगा, दोनों रामसागर साइट है, एक है लद्दाख में और एक है जम्मू कश्मीर में। अब कुछ और भी जो रामसागर साइट है, हालांकि टोटल 42 है, बहुत सारे आपको याद भी होंगे, जैसे लोनार झील कहाँ पे है, ठीक है, ये भी आपको याद होंगे। और जैसे आपके बहुत सारे ऐसे रामसागर साइट हैं जो कि आपको भीतर करने का पार्क कहाँ पे है, तो ये सब याद रहते हैं। जो नहीं याद होते हैं उसको अपन यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए, यूपी के जितने भी रामसागर साइट हैं वो लगभग एस से स्टार्ट होते हैं, तो एक ट्रिक के थ्रू आपको मैं बस हिंट दे रहा हूँ। देखिए, सूर सरोवर एस से स्टार्ट हो रहा है, यूपी में है। उसके बाद सासी नवार झील, ये भी आपके यूपी में है। फिर सैंडी बर्ड सेंचुरी, ये भी यूपी में है। समासपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी यूपी में है। समान बर्ड सेंचुरी, ये भी यूपी में है। तो देखिएगा, लगभग यूपी के जो रामसागर साइट हैं, वेटलैंड हैं, वो आपके एस से स्टार्ट होते हैं। तो एक कॉमन आप ट्रिक मान लीजिए, ठीक है।
बाकी आपको एग्जैक्ट याद भी करना है, लेकिन एक कॉमन ट्रिक मान लीजिए। उसके बाद एक है सुरीन सार मंसार लेक। देखिए सुरीन सार मतलब क्या, श्रीनगर जैसा कुछ दे सेंस दे रहा ना, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इस तरह से याद रखेंगे। हालांकि मंसार आपको पता है कि लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो रामसागर साइट है जो काफ़ी फेमस है, रेणुका है, पोंग डैम लेक है और चंद्रताल है। देखिए चंद्रताल तो आपको हिमाचल प्रदेश में याद रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे ताल वगैरह जितने भी होते हैं ना, ताल वगैरह लेक जिसके लास्ट में ताल लग जाता है, वो जनरली हिमाचल प्रदेश में ही होते हैं। आपने ये ट्रिक भी याद किया होगा। उसके बाद रेणुका आपको याद रखना है, वेटलैंड है, वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद रेणु, रेणु जो नाम है वो लड़की का नाम है, और हिमाचल माँ जैसा सेंस दे रहा है, तो माँ भी लड़की होगी, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रखेंगे। पोंग डैम तो याद ही होता है, ठीक है। पोंग डैम आपको याद रहता है, वो भी एक प्रकार का रामसागर साइट है, जो कि पोंग डैम किस पे बना है, ब्यास नदी पे, वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद डिपोर भील है, देखिएगा यहाँ पे डिपोर, डिपोर भील है असम में, ठीक है, असम में डिपोर भील है। अगला कुछ देख लेते हैं, और एक मिनट, यहाँ पे ये है। उसके बाद है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी वेटलैंड कहाँ पे है, उत्तराखंड में। याद कैसे करेंगे, आसन पर से उतरता है कोई भी, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद होकेरा, होकेरा बेटलैंड, होकेरा यानी कि ध्यान रखिएगा इसको कैसे याद रखेंगे, हो गया तेरा, ठीक है, हो गया तेरा। जैसे ही जम्मू कश्मीर में किसी का पोस्टिंग हो गया ना, तो कहता ना आज तो मतलब कि तेरा तो हो गया काम तमाम, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है डर वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, हो गया केरा, केरा यानी कि तेरा हो गया, इस तरह से। कंजली, कंजली को अंजलि टाइप का ध्यान रखिएगा, कंजली जो लेक है वो कहाँ पे है, वो पंजाब में। अंजलि मतलब क्या होता है, अंजलि हाथ को कहते हैं, तो पंजाब भी तो हाथ है, पंजाब भी तो हाथ ही है, तो कंजली पंजाब में है। इस तरह से ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। केशोपुर, सॉरी केशोपुर मिनानी जो कम्युनिटी रिजर्व है वो भी पंजाब में है, तो इसको अपन ट्रिक नहीं बना पाए। आप अपने इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिक मुझे अचानक आ गई कि जो केस होता है पंजाबी लोग अच्छे से मतलब कि उसको ढक के रखते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। केशवपुर जो कम्युनिटी रिजर्व है वो वेटलैंड, वो आपके पंजाब में है। उसके बाद नांदौर, हालांकि यहाँ पे नांदौर है, लेकिन हम इसको नादूर से याद रखेंगे। नादूर जो है मैड हासरेश्वर, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल्हामेश्वर जो वेटलैंड है वो महाराष्ट्र में है। तो याद कैसे करेंगे, नांदौर ही एक छोटे वर्ड में याद रखते हैं, ना दूर इस तरह से पढ़ेंगे, ना दूर। तो कोई भी एक्टिंग वगैरह करता है ना, तो कहता है कि मुंबई आपके लिए दूर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। पॉइंट जो विल्ड लाइफ वर्ल्ड सेंचुरी है, कैलीमेर है, पॉइंट कैलीमेर विल्ड लाइफ वर्ल्ड सेंचुरी है, वो आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो याद कैसे करेंगे, किसी बंदे से आप मिलते हैं तो कहते हैं ना कि तुम मिल, हम तुम्हें पॉइंट बाई पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। या क्लास में जैसे ही कोई आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या कहते हैं टीचर, कि बाहर मिलना, यानी बाहर मिलना यानी कि डाउट क्लासेज में मिलना, हम पॉइंट बाई पॉइंट समझाएंगे। तो पॉइंट जैसे ही दिमाग में आएगा तो मिलने का सेंस आएगा, ठीक है। तो ये सभी जो वेटलैंड है मैंने आपको याद करवा दिया। बाकी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, बेमनाड है, वो सब आपको पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो पता है, जो नहीं पता है वो मैंने आपको याद करवा दी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो कौन से स्टेट में है, तो आठ सबसे ज़्यादा यूपी में है। उसके बाद सबसे छोटा एरिया वाइज कहाँ पे है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश का रेणुका है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो चिल्का लेक कहाँ पे है, ये आपके उड़ीसा में है। और पूछा जाए कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो ये आपके यूएसए में है, और सेकंड में मैक्सिको में है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा रामसागर साइट के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाओ खोबा जो वन्य जीव अभयारण्य है किस नदी पे स्थित है। आपको याद रखना है कि कौन से राज्य में है, क्योंकि ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र वहाँ से बहती है। तो लाओ खोबा, ठीक है, तो ये आपके असम में है। ये मैं ट्रिक नहीं बना पाया, तो आप अपने तरीके से ट्रिक बना के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। गरिमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पे है, देखिएगा गरिमाथा, अब
जो समुद्री अभयारण्य है, यहाँ पे समुद्री अभयारण्य है तो यानी कि समुद्र के आसपास ही होगा, तो उड़ीसा में है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, गड़ी माथा, इस तरह से गड़ माथा को गड़ दिया, कोई ज़मीन में गड़ दिया या समुद्र में गड़ दिया, क्योंकि वो ज़्यादा उड़ रहा था तो उसका माथा पकड़ के समुद्र में गड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, उड़ीसा में है। किसे मौत बांटने वाला पुरुषों का मुखिया कहा जाता है, तो मौत बांटने वाला पुरुषों का मुखिया किसे कहा जाता है, निमोनिया को कहा जाता है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जो मौत बांटता है उसको कोई भी कहेगा कि भाई ऐसा काम ना करो, तो वो नहीं मानता, नहीं हम मौत तो बांटेंगे ही, कौन ना मानना, वो नहीं माना क्योंकि वो मौत का सौदागर था, जो भी है। ठीक है, इस तरह से नमोनिया ना माना। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि स्थापित हुआ था 23 अक्टूबर 1989 में, उसका मुख्यालय कहाँ पे? देखिए, ये जो आपके 10 महारत्न कंपनियां है उसी में से एक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। आपको याद मैंने करवाया था कि जो जितने भी महारत्न कंपनियां हैं उसमें मैक्सिमम इनर्जी से रिलेटेड है, जैसे कोल इंडिया है तो कोल से भी इनर्जी होता है, ठीक है, गैस है, ठीक है, तो गैस से भी इनर्जी होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पावर ग्रिड भी तो इससे भी इनर्जी उत्पन्न होती है। तो आपको एक मोटे तौर पे मैं ट्रिक बताया था कि कैसे आपको महारत्न कंपनियां का नाम याद करना है। ठीक है, तो अब ये जो महारत्न कंपनियां हैं, जितने भी महारत्न कंपनियां, सबका मुख्यालय पूछा जाता है क्योंकि हॉट टॉपिक हो जाते हैं, तो उसी में से एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 10 महारत्न कंपनियों में से एक है, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जो बिजली अब आती है गांव में ज़्यादा आती है, गांव में ज़्यादा इस वजह से आती है क्योंकि वहाँ कंजप्शन कम है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 100 घर होते हैं, लेकिन शहरों में तो एक ही घर में 10 10 घर होते हैं, यानी कि किराएदार हो गए, ये वो हो गए, आप देखेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होती है। इससे इससे क्या होता है कि शहरों में थोड़ा सा बिजली कटती भी है लेकिन गांव में लगभग कांस्टेंट रहती है, कटती नहीं है। तो यानी कि ग्रिड से संबंधित, यानी कि पावर से संबंधित, यानी कि लाइन से संबंधित, करंट से संबंधित, तो गांव उसमें बेटर स्थान रखता है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो भारत का सिंह द्वार, देखिएगा, जो अंग्रेज आए थे वो कोलकाता से आए थे, तो वो क्या अपने आप को सिंह मानते थे कि हम लोग शेर हैं, बाकी तुम लोग तो मतलब कि छोटे मोटे जानवर हो। ठीक है, तो इसलिए उसे सिंह द्वार कहा जाना लगा। मतलब कि इस तरह से याद करने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो लोग शेर थे तो कलकत्ता से आए तो सिंह द्वार बन गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कुछ है, बस याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ज़्यादातर आपको वेटलैंड से संबंधित क्वेश्चन कराए, जो कि भविष्य में कोई भी एग्जाम में अब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।